ब जब इंसान अल्लाह के अहकाम को बजा लाए तो उसके दिल से फक्र फाके का खौफ निकल जाता है और अल्लाह उसे तरह तरह के इनामत से नवाजता है इंसान जब तक अल्लाह के आकाम को बजा लाता रहेगा तब तक अल्लाह की नुसरत और उसकी तयद शामिल हाल रहेगी चुनाचे जू ही हाजरा को पता चला कि उन्हें तनहा छोड़ जाना अल्लाह के हुक्म की बिना पर है तो फौरन यकीन भरे लहजे में बोली तब अल्लाह हमें जाए नहीं करेगा ये कहकर वो अपने शीर खार बच्चे की तरफ पलट गई खुराक और पानी चंद दिन में खत्म हो गए पानी का एक कतरा पास न रहा अब पानी की तलाश शुरू की लेकिन अपने लिए तो दरकिनार मां को बेटे के लिए भी पानी न मिला न खुराक अब बच्चा लगा भूख से बिलकने खुराक न मिलने की वजह से माँ का दूध भी खुश्क हो गया था औरत कितनी भी बाहौसला हो अपने बच्चे को भूख से बिलकते नहीं देख सकती अब उन्होंने बच्चे को वहीं छोड़ा और तेजी से करीबी पहाड़ी सफा की तरफ लपकी ऊपर चढ़कर इधर उधर नजर दौड़ाई कि शायद किसी तरफ पानी या खुराक नजर आ जाए या किसी इंसान की झलक नजर आ जाए जब कुछ नजर न आया तो नशेब की तरफ चली साथ में बच्चे की तरफ भी देखती जाती थी नशेब में पहुंची तो बच्चा नजरों से ओझल हो गया इस पर और बेचैन हुई और बुलंदी की तरफ दौड़ी इस तरह मरवा पहाड़ी पर चढ़ गई वहां भी चारों तरफ निगाह दौड़ाई लेकिन कुछ नजर न आया ख्याल आया कि फिर कोशिश करनी चाहिए इस ख्याल से मरवा पहाड़ी से उतरी और सफा की तरफ चल दी। में की वजह से बच्चा नजर ना आया तो दौड़ने इस तरह फिर सफा पर चढ़ गई अल्लाह वक्त पर एक तो औरत जात कमजोर फिर भूख प्यास से निढाल इस पर किस कदर सही और कोशिश में मसरूफ वो भी अपने बच्चे के लिए बहरहाल बार बार कोशिश के ख्याल से उन्होंने सफा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान सात चक्कर लगाए यही वजह है मुसलमान आजमीन हज सफा मरवा के दरमियान सही करते हैं ताकि इस वाकये की याद ताजा हो जाए जब वो आखिरी मरतबा मरवा पर पहुंची तो उन्होंने एक आवाज सुनी ये आवाज इस्माइल के करीब से आई थी उन्होंने पूरी तवज्जो से आवाज को सुनने की कोशिश की और जल्दी से इस्माइल के करीब पहुंची क्या देखती हैं इस्माइल के कदमों के नीचे से पानी फूट रहा है क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस साबिरा खातून की मदद के लिए भेजा था उन्होंने जमजम वाली जगह पर अपना पर मारा तो इस्माइल के कदमों के पास से एक अजीम चश्मा रहमत नमूदार हुआ मुस्तकबिल के पैगंबर के कदमों के नीचे से अल्लाह ने जिब्रील फरिश्ते के जरिए जमीन फाड़ कर पानी निकाल दिया यही आब जमजम का आगाज था हाजरा अलैहिस्सलाम पानी को आंखें फाड़ फाड़ कर हैरत से देख रही थी उनकी खुशी की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा पानी फूट फूट कर चारों तरफ बह रहा है। जमीन हमवार थी, इसलिए उन्होंने जमीन को खोदना शुरू कर दिया ताकि पानी इधर उधर न बह जाए फिर उन्होंने उस गढ़े के चारों तरफ पत्थर रख दिए और जुबान से बोली जम जम इसका मतलब है रुक जा

लेकिन उन्होंने इसके गिर्द बंद बांध दिया उन्हें दरअसल उस वक्त पानी की शदीद जरूरत थी इसलिए उन्होंने पानी को अपने पास जमा कर लिया ताकि बहकर जाए न हो जाए उन्होंने इस्माइल को पानी पिलाया खुद भी खूब पिया और ये अल्लाह ताला की तरफ से उनकी मेहमान नवाजी थी वहां कोई और इंसान नहीं था ना खाने की कोई चीज थी बस यही आब जमजम उनके लिए खाने और पीने का काम दे रहा था अब चूंकि जमजम एक चश्मा बन गया था इसलिए परिंदे भी आने लगे उन्हीं दिनों अरब के कबीलों में से एक कबीला बनू जुरहुम, यमन को खैरबाद कहकर इस तरफ आ रहा था यमन में एक बहुत बड़ा डैम था पहाड़ों के दरमियान उन्होंने पानी को रोककर एक बहुत बड़ा बंद कायम कर रखा था उससे पूरा साल आसानी से खेतीबाड़ी करते थे इस डैम की बदौलत उनका आबपाशी का निजाम बहुत अच्छा था जब उस डैम को अल्लाह ताला ने तोड़ा तो तमाम लोग वहां से मुंतशिर हो गए और जजीर अरब के अतराफ में मुंतकिल होने लगे वहीं से हिजरत करने वाला एक कबीला बनु जुरहुम था ये लोग बुनियादी तौर पर अरब थे ये कबीला सफर में रहता जहाँ कहीं पानी और चिरागा नजर आते वहीं पड़ाव डाल देते जब वहाँ खुराक खत्म हो जाती तो आगे सफर शुरू कर देते चूंकि वो बहुत बड़े ताजिर थे इस बिना पर उन रास्तों से खूब वाकिफ थे उन्हें चश्मों का खूब इल्म था मुल्क शाम की तरफ भी उनकी आमदो रफ्त थी ये कबीला बनु जुरहम मक्का के करीब पहुंचा तो फिजा में परिंदों को मंडलाते पाया कहने लगे इन परिंदों की मौजूदगी में जरूर कोई राज है अब उन्होंने अपने कुछ आदमी उस तरफ भेजे ये लोग जल्द ही चश्मे तक पहुंच गए उन्होंने वहां एक औरत और उसके बच्चे को पाया फिर वो लोग उनके पास आए वहां पड़ाव डालने की इजाजत मांगी सैयदा हाजरा ने फरमाया ठीक है लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें उजरत अदा करना होगी उनके लिए यह सस्ता सौदा था उनके पूरे कबीले को सामान जिंदगी मिल रहा था जबकि सिर्फ एक औरत और उसके बेटे की जिम्मेदारी उन पर आयद हो रही थी उन्होंने फौरन हामी भर ली और वहाँ रिहायश इख्तियार कर ली इस तरह ये लोग सैदा हाजरा की मैशत का जरिया बन गए और इस तरह सैदिना इसमाइल बनु जुर्म में परवरिश पाते रहे उन्होंने उन लोगों से अरबी सीख ली और उनसे भी ज्यादा अरबी दान बन गए फसाहत और बलागत से अरबी में बातचीत करने लगे फिर उनकी इस कबीले में शादी हो गई उनकी औलाद से अरब कौम का आगाज हुआ इन्हीं में से सर्वरए कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई बनु जुरहम की आमद और आबादी इब्राहिम अलैहि सलाम की दुआ का नतीजा थी जब उन्होंने अपनी बीवी और बच्चे यानी दो कमजोर इंसानों को इस वीरान जगह छोड़ा था तो ये दुआ मांगी थी रब्बना औलादाद जंगल में यहाँ ये सवाल पैदा होता है की क्या उस वक्त बैतुल्लाह की तमीर हो चुकी थी दुरुस्त बात यह है की उस वक्त खाना काबा की तमीर नहीं हुई थी फिर सवाल पैदा होता है कि क्या इब्राहिम के जमाने से पहले इसकी तामीर हो चुकी थी या सिर्फ जगह ही मारूफ थी इस बारे में दो तरह की रिवायात है बाज में आता है कि सिर्फ इसकी जगह मारूफ थी और बाज में है कि इब्राहिम से पहले शीश अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर किया था और वो गर्दिश अम के साथ साथ मुनहदिम होकर खत्म हो गया लेकिन बहरहाल इसकी जगह मालूम थी और वही पहला घर था जैसा कि अल्लाह ने खबर दी है इन अल्लाह ताला ने पहला घर जो लोगों के लिए मुक्र किया था वही है जो मक्का में है और वो पूरी दुनिया के लिए बरकत और हिदायत वाला है ابراهيم عليه السلام نے الله تعالی سے یہ دعا مانگی تھی ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه ربنا ليقيموا الصلاة فَجْعَلْ أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اے ہمارے मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेखेती खेती के जंगल में तेरे हुरमत वाले घर के पास बसाई है ऐ हमारे परवरदिगार ये इसलिए कि वो नमाज कायम करें तू कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ मायल कर दे और उन्हें फलों की रोज़ियां आता फरमा ताकि ये शुक्रगुजारी करें दिन गुजरते रहे और इस्माइल अलैहिस्सलाम बनू जुर्म के माहौल में उम्र की मंजिलें तय करते रहे और वो होश संभालने के करीब हो गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर साल एक दो बार अपने घराने की देखभाल के लिए चक्कर लगाते थे जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने होश संभाला तो एक बार फिर एक अजीम आजमाइश का वक्त आ गया हुआ यूं कि एक मरतबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ लाए एक जगह आराम के लिए बैठे कि नींद की वादी में पहुंच गए नींद में उन्होंने ख्वाब देखा कि अपने लख्ते जिगर को अपने हाथ से जबा कर रहे हैं साथ ही आंख खुल गई इब्राहिम जानते थे कि अंबिया के खाब हकीकत होते हैं अल्लाह की तरफ से वही होते हैं और शैतान किसी में नहीं आ सकता लिहाजा उन्होंने इस ख्वाब के मुताबिक अमल करने का पुख्ता इरादा कर लिया किसी कस्म की परेशानी का शिकार न हुए अल्लाह रबुल्जत ने इस अजीम और ताजुब खेज वाक़े का कुरान मजीद में जिक्र करते हुए फरमाया ذاهب الى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم और इब्राहिम ने कहा मैं तो हिजरत करके अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला हूँ वो जरूर मेरी रहनुमाई करेगा ए मेरे रब मुझे नेक वक्त औलाद अता फरमा तो हमने एक बुरबार बच्चे की बशारत दी फिर जब बच्चा इतनी उम्र को पहुंचा कि उसके साथ चलने फिरने लगा तो इब्राहिम ने कहा मेरे प्यारे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे जबा कर रहा हूं अब तू बता तेरी क्या राय है यहां सवाल पैदा होता है कि इब्राहिम ने इसमाइल असलाम से मशवरा क्यों लिया वो चाहते तो इस्माइल को सोते में जब कर देते इस तरह अल्लाह का हुक्म बजा लाते वो बेटे के पास क्यों गए और उनसे मशवरा क्यों लिया जी हाँ ये मसला याद रखने के काबिल है कि हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो अपने दूसरे मुसलमान भाई को अजर शवाब में शामिल करने की कोशिश करे इब्राहिम अल्लाम ने बेटे को स्वाब में शामिल करने के लिए उन्हें अल्लाह के हुक्म से आगाह किया ये ना चाहा कि मैं अकेला ही अजर लेता रहूं, बल्कि दूसरे की खैर खाही को पेश नजर रखा के लिए आपके इस अंदाज में नसीहत मौजूद है ये कि औलाद को सवाब के मौा फ्राहम करें उनकी सही तरबियत करें अगर सदका करने का मौका मिले तो बच्चों के जरिए सदका कराएं, ताकि उन्हें भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की आदत पड़े जब किसी दीनी मजलिस में बैठने का मौका मिले तो अपनी औलाद को भी साथ लेकर जाए बेशुमार लोग खुद तो जाते हैं औलाद को जाने के लिए कहते भी नहीं खुद दीन सीखते हैं औलाद को दीन नहीं सिखाते इब्राहिम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से राय ली सुभान अल्लाह उन्होंने जवाब में फरमाया या अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है गुजरिए नहीं कहा कि मुझे तो हुक्म नहीं हुआ बल्कि फौरन सरे तस्लीम खम कर दिया इसलिए कि वो जानते थे अंबिया का खाब हकीकत पर मबनी होता है अल्लाह की वही होता है इसलिए बिल्कुल परेशानी जाहिर न की यह तक न पूछा मुझे क्यों जबह कर रहे हैं या मेरा क्या जुर्म है या आपके पास कौन सा सरी हुक्म आया है उन्होंने ऐसी कोई बात न कही अल्लाह की फर्मा बरदारी इसी को कहते हैं

इन शाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे ओलामाए किराम फरमाते हैं इस जुमले से उनका इंतहाई अदब और एहतराम शामिल है और इसमें जबरदस्त तवक्ल मौजूद है ये नहीं कहा कि आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे बल्कि आपने अल्लाह की मशीयत को जुमले में शामिल किया और फरमाया इन आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे लिहाजा मुसलमानों को धोखे में नहीं पड़ना चाहिए ये न कहे मैं सफर करूंगा मैं फुला काम करूंगा मैं फुला काम के करने की ताकत रखता हूं बल्कि यूं कहे अल्लाह ने चाहा तो मैं सफर करूंगा अल्लाह ने चाहा तो फुला काम करूंगा अपने इल्म और ताकत के धोखे में पड़ना सरासर नादानी है हर चीज का ताल्लुक अल्लाह से कायम करे जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं और हरगिज हरगिज किसी काम पर यूं न कहना कि मैं इसे कल करूंगा मगर साथ ही इन कह लेना अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से सजा कर रखो और हमेशा अपने मामला को अल्लाह की तरफ लौटाओ बहर हाल बाप बेटा दोनों ही मुसम्म इरादे के साथ अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए पेश हो गए इसमाईल अम ने अपने वालद मोहतरम सैदना इब्राहिम से कहा जब आप मुझे जबह करने लगे तो मेरी पेशानी को जमीन पर रख दीजिएगा ताकि आपको मेरा चेहरा नजर न आए और कहीं आपके हाथ रुक न जाए चेहरा देखकर आप पर शफकत पिदरी गालिब न आ जाए अब इब्राहिम सलाम ने बेटे की पेशानी पकड़कर जमीन पर लिटा दिया जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया जब दोनों मोतीह हो गए और इब्राहिम ने उसे पेशानी के बल लिटा दिया अब उन्होंने छुरी पकड़ी और गर्दन पर चला दी लेकिन छुरी ने गर्दन न काटी बिल्कुल उसी तरह जैसे आग ने इब्राहिम को नहीं जलाया था इसलिए कि छुरी में काटने की ताकत और आग में जलाने की सलाहियत अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आ सकती अल्लाह ने दोनों से ये ताकतें सल्ब कर ली अब इब्राहिम जोर लगा रहे हैं उधर इस्माइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अब्बा जान जल्दी कीजिए छुरी चलाइए अल्लाह ताला ने इस वाके का जिक्र यूं फरमाया है जब वो दोनों मुती हो गए और इब्राहिम ने उसे पेशानी के बल लिटा दिया इस मुती होने से मुराद अल्लाह के हुक्म को नाफिज करना है अब जाहिर है मुती तो वो पहले भी थे लेकिन यहाँ असलमा यानी मुती होने से मुराद कामिल इस्लाम है निहायत वाजह और हकीकी इस्लाम मुराद है इसलिए कि कामिल इस्लाम वही होता है जिसमें बगैर किसी तरद और तवकफ के अल्लाह के अमर और नहीं की तस्दीक की जाए ये था हकीकी इस्लाम हाँ तो छुरी चलती रही गला न कटा इसलिए कि इम्तिहान और आजमाइश की तकमील हो चुकी थी ये बात साबित हो चुकी थी कि अल्लाह का हुक्म नाफिज करने में दोनों पूरी तरह कोशा हैं। अल्लाह ती फर्मा बरदारी ही का सिला अता फरमाते हैं चुनाचे आवाज आई हमने उसे पुकारा ए बब्राहिम तू ने खाब को सज कर दिखाया यकीन हम इसी तरह नेकोकारों को जजा दिया करते हैं यकीन ये एक खुली आजमाइश थी तारीख का एक अजीम तरीन इम्तिहान और कड़ी आजमाइश दुनिया को आज भी हैरत में डाल देती है कौन है जो बेटे को जबह करने पर तैयार हो जाए खास तौर पर इस सूरत में जब औलाद भी इकलौती हो जिसकी वजह से छियासी साल के बाद आंगन में बाहर आई हो फिर उसकी कुर्बानी का भी वाजे हुक्म नहीं दिया गया था इशारा तन में रहनुमाई की गई थी आप कह सकते थे ये कत्ल और संगीन जुर्म है कह सकते थे अपने बेटे को किस जुर्म में कत्ल करो लेकिन आपने बगैर किसी तामुल के सरे तस्लीम ख़म कर दिया और इस अजीम इम्तिहान में कामयाब हुए अल्लाह फरमाते हैं और इब्राहिम वो हैं जिन्होंने वफादारी की इस आयत में ये नहीं बताया गया कि किस चीज में वफादारी की इसलिए कि वो तो हर मामले में मुकम्मल तौर पर वफादारी का मुजाहरा कर चुके थे आग में डाले जाने वाला मामला बीवी और बच्चे को लकोदक मैदान में छोड़ आने का मामला फिर जब का इम्तिहान, तामीर बैतुल्लाह की मशक्कत गरज हर मामले में वफादार थे हती के अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में इस कदर वफादार के अबू जीफ़ान के लकब से मशहूर हो गए इसका माना है मेहमान नवाज किसी मेहमान को दस्तरखान पर अपने साथ बिठाए बगैर एक लुकमा नहीं खाते थे बाहर निकलते मेहमान तलाश करते फिर उसके साथ मिलकर खाना खाते मेहमान न मिलता तो सख्त गमगीन हो जाते इस तरह उन्होंने अल्लाह के हर हुक्म की पासदारी की जबह वाले इस इम्तिहान का अल्लाह ने उन्हें क्या सिला दिया अल्लाह फरमाते हैं हमने उसे अजीम जबीहे का बदला अता किया हाँ तो हम बता रहे थे छुरी ने गला न काटा ऐसे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक आवाज सुनी आवाज पीछे से आई थी उन्होंने मुड़कर देखा जिब्रील अलैहिस्सलाम नजर आए वो आसमान से एक मेंढा लेकर आए थे दुनिया के मेंढों में से नहीं बल्कि जन्नत का मेंढा लाए थे अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह सैदना से रिवायत है कि वो मेंढा जन्नत में चालीस साल तक चरता रहा सफेद रंग कुशादा आंखों खूबसूरत सींगों वाला हसीनो जमील मेंढा था बहरहाल ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफादारी का बदला था जो इस्माइल सलाम के फिदिये में दिया गया और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए हुक्म हो गया कि अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी और हदी पेश करते रहें काबे के पास हरम इलाही में हर साल ये सुन्नत अदा की जाती है और उनके साथ साथ पूरी जमीन के तमाम खित्तों पर बसने वाले मुसलमान भी इस अजीम फरमाबरदारी की अलामत के तौर पर कुर्बानियां पेश करते हैं मेंढे के जिक्र का मतलब यह है कि हम सुन्नत इब्राहिमी पर गामजन हो जाएं, ये मेढा हमें अल्लाह के लिए कुर्बानी का सबक देता है हमें चाहिए सुन्नत इब्राहिमी की इक्तदा करते हुए हम अपनी जानों अपनी औलाद और अपने मालों को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए अल्लाह ताला, ताला फरमाते हैं وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين और हमने उसे अजीम जबीहा अता किया और हमने उसका पिछलों में जिक्र खैर छोड़ा सलामती हो इब्राहिम पर इसी तरह ही हम नेकोकारों को जजा देते हैं यकीनन वो हमारे मुखलिस बंदों में से था और इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं और हमने उसे नबी हाँ की तैयार की हो जाने के सिले में और सारा की अजमत और तक्रीम के मद्देनजर अल्लाह ने इस हाक की खुशखबरी सुना दी ये आयत जबह के वाकई के बाद अल्लाह तिक्र फरमाई है इसलिए मालूम हुआ पिछली आयत में इस हाक के अलावा किसी और बेटे का जिक्र हुआ है और वो इस्माइल अलैहिस्सलाम ही थे जबकि यहूदी रिवायत में इस अलैहिस्सलाम को जबीह करार दिया जाता है ये बिल्कुल गलत है जबह के वाकई के बाद इस अलैहिस्सलाम की भीशारत मिल रही है फिर भला वो पैदा होने से पहले ही जबीह कैसे बन गए इसलिए यह कतई बात है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ही जबीह हैं इसके कई और भी दलाइल हैं जिनके जिक्र करने का यहाँ मौका नहीं बहरहाल इस अजीम आजमाइश में बेमिसाल कामयाबी के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन आए और 120 साल की उम्र में इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत मिली जबकि सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी उन पर बुढ़ापा तारी हो चुका था ऐसे में तीन फरिश्ते आए वो तो कौम लूत की तबाही के लिए आए थे रास्ते में अल्लाह के हुम से इब्राहिम और उनकी आहलिया सारा को खुशखबरी सुनाई और इस गरज के लिए वो इंसानी शक्ल में आए थे इब्राहिम तो पहले ही बहुत मेहमान नवाज थे उन्हें देखकर बहुत खुश हुए कि मेहमान आ गए फरिश्तों ने उन्हें सलाम किया इब्राहिम ने सलाम का जवाब दिया वो हैरत जदा थे कि ये लोग उनकी बस्ती के रहने वाले तो हैं नहीं लेकिन उन पर सफर के निशानात भी नहीं हैं जैसा कि दूर से चलकर आने वालों में होते हैं न उनके पास सवारियां हैं, कुरान मजीद में आता है कौलू सल क्यों फरिश्तों ने सलाम किया तो इब्राहिम ने भी सलाम किया और दिल में ख्याल किया ये अजनबी लोग हैं फिर वो अपनी मेहमान नवाजी की आदत के मुताबिक उन्हें अंदर ले आए उनके लिए खाने का इंतजाम किया अल्लाह ताला फरमाते हैं हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहिम के पास खुशखबरी लेकर आए तो उन्होंने सलाम किया इब्राहिम ने सलाम का जवाब दिया और फौरन भुना हुआ बछड़ा ले आए और बछड़ा भी मोटा था उनके सामने खाना पेश किया लेकिन वो भला कब खाने की तरफ हाथ बढ़ाने वाले थे यह देखकर इब्राहिम ने खौफ महसूस किया कि कहीं ये दुश्मन न हो उस वक्त फरिश्तों ने कहा इब्राहिम नडर हम तो कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं जब उन्होंने ये बातें की तो सारा पास खड़ी थी वो हंसने लगी वो खुशखबरी से पहले क्यों हंस पड़ी उलमा इस बारे में कहते हैं कि जब उन्होंने सुना ये फरिश्ते की बस्ती को तबाह करने जा रहे हैं, तो उनके खात्मे की खबर सुनकर वो हंसती इसके बाद फरिश्तों ने ये खुशखबरी सुनाई हमने उसे इसहाक की पैदाइश की खुशखबरी दी और इसहाक के बाद याकूब पोते की भी खुशखबरी दी बहुत जल्द ही हम इसहाक से तेरी वीरान गोद को आबाद करेंगे और तू अपनी जिंदगी में उसके बेटे याकूब को भी देख लेगी अब तीन बिशारते जमा हो गई बेटा पैदा होगा लंबी उम्र मिलेगी यानी बेटा जवान होगा और फिर वो अपने पोते को भी देखेगी इससे बढ़कर क्या इज्जत और तकरीम हो सकती है इसलिए जब नबी करीम वसल्लम से पूछा गया करीम यानी इज्जत वाला कौन है तो आपने फरमाया करीम बिन करीम बिन करीम बिन करीम, करीम यानी यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम मतलब ये कि नबी बिन नबी बिन नबी बिन नबी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की शान है कि खुद भी करीम बाप भी करीम दादा भी करीम और परदादा भी करीम इससे बढ़कर इज्जत अफसाई क्या हो सकती है बहरहाल फरिश्तों ने उन्हें खुशखबरी दी वो बश फिर उन्होंने इब्राहिम को एक साहेब इल्म लड़के की बशारत दी खुशखबरी खबरी सुनकर सैयदा सारा हैरान हुई मारे हैरत के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई उन्होंने अपने रुखसार पर हाथ मारा जैसा कि औरतों की आदत होती है कहने लगी हाय अफसोस क्या मैं बच्चा जनूंगी? हालांकि मैं बांझ हूं और मेरे खामन बूढ़े हैं ये तो हैरत की बात है एक दूसरी जगह अल्लाह ताला ने ये अल्फाज फरमाए कहने लगी मैं बूढ़ी और बांझ हूं भला मैं बच्चे को कैसे जन्म दूंगी इस पर फरिश्तों ने कहा तू अल्लाह के हुक्म पर ताजुब करती है आहले ये तो अल्लाह की तुम पर रहमत और बरकत है वो बहुत बुजुर्ग और काबिल तारीफ है दूसरी आयत में है उन्होंने कहा इसी तरह तेरे रब ने फैसला किया है और हमें कहा है यकीनन वो बहुत हिम्मत वाला है और इल्म रखने वाला है ये थी इस हाकम की विलादत की खुशखबरी इब्राहिम मक्के में इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आते रहते थे एक रोज आए तो उनसे कहा मेरे बेटे अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि इस मकाम पर अल्लाह का घर तामीर करना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा मैं हाजिर हूँ इस तरह उन्होंने खुदाई शुरू की ऐसे में उन्हें शीस अलैहिस्सलाम की तामीर के आसार नजर आए उन्होंने उस पर तामीर शुरू कर दी एक रिवायत में यह भी है कि उन्होंने फरिश्तों वाली बुनियादों के आसार भी देखे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के दिनों में जब मक्के के कुरैश ने काबे की तामीर नए सिरे से की तो उन्होंने उसकी बुनियादों को गहरा करना चाहा। वो खुदाई करते उन सब्स पत्थरों तक पहुंच गए जो पहाड़ों की चोटियों की तरह नजर आ रहे थे उन्होंने उन पत्थरों को निकालना चाहा। एक शख्स ने कुदाल के जरिए एक पत्थर को बाहर निकाला तो उसके नीचे से इतना नूर निकलने लगा कि करीब था वो शख्स अंधा हो जाता फिर पत्थर खुद ब खुद नीचे जा गिरा और अपनी जगह पर जम गया इसके बाद लोगों ने उन पत्थरों को हाथ न लगाया और तामीर शुरू कर दी कुरान मजीद में तामीर काबा और बैतुल्लाह का तस्करा इस तरह आया है وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود और जब हमने बैतल्लाह के मकान में इब्राहिम को जगह दी और फरमाया कि मेरे साथ शिरक न करना और मेरे घर को तवाफ क्याम और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए पाक रखना और फरमाया इन كَتَبَ مباركا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا بِشَك لُغَوْن کے لیے جو پہلا گھر تعمیر کیا گیا ہے وہ مکہ میں ہے वो जहान वालों के लिए बरकत और हिदायत का जरिया है उसमें वाज निशानियां हैं मसलन मकाम इब्राहिम तो जो कोई हरम में दाखिल होगा वो अमन में आ जाएगा और फरमाया और याद करो उस वक्त को जब इब्राहिम को उसके परवरदिगार ने कई बातों के जरिए आजमाया वो उनमें पूरे उतरे तो अल्लाह ने फरमाया मैं आपको तमाम लोगों का इमाम बना रहा हूँ इब्राहिम ने कहा ए मेरे रब मेरी औलाद में से भी इमाम बनाइए जवाब में अल्लाह ने फरमाया मेरा इमामत का वादा जालिम लोगों के लिए नहीं है और उस वक्त को याद करो जब हमने बैतुल्लाह को सवाब और अम की जगह बना दिया और लोगों ने मकाम इब्राहिम को जाए नमाज बना लिया हमने इब्राहिम को हुक्म दिया कि मेरे घर को तवाफ एतिकाफ रुकू और सुजूद के लिए पाक रखो और वो वक्त भी याद रखो जब इब्राहिम ने दुआ की ऐ परवरदिगार इस शहर को अमन वाला बना दे और इसके मोमिन बंदों को फलों का رزق عطا कर अल्लाह ताला ने फरमाया मैं काफिरों को भी थोड़ा फायदा दूंगा फिर उन्हें आग के अज़ाब की तरफ बेबस कर दूंगा ये पहुंचने की जगह बुरी है और वो वक्त याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल बेतुलल्लाह की बुनियादों को बुलंद कर रहे थे और दुआ मांग रहे थे ऐ हमारे रब हमारी मेहनत को कबूल फरमा तू दुआ को सुनने वाला जानने वाला है और हमें अपना फरमा बरदार बना हमारी औलाद में से भी एक फरमा बरदार गुरोह बना और हमें इबादत का तरीका सिखा और हम पर रजू फरमा क्योंकि तू ही तोबा कबूल करने और राह फरमाने वाला है ए हमारे रब इन लोगों में इन्हीं में से एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयत की तिलावत करे और इन्हें किताबोकमत सिखाए इन्हें पाक करें। यकीनन तू जब इब्राहिम उस मकाम तक पहुँचे जहाँ आज हजर असवद है तो अल्लाह ने जन्नत से एक सफेद भेजा हदीस में है ये पत्थर निहायत सफेद था अब स्या हो गया है इंसानों की गलतियाँ इसके स्या होने का सबब बनी जब दीवारें इंसानी कद के बराबर हो गई तो इस्माईल अम एक पत्थर ले आया अब इब्राहिम उस पत्थर पर खड़े हुए वो नंगे पांव थे उसी वक्त पत्थर पिघल गया उनके उनके पांव उसके अंदर किसी कदर धंस गए। पत्थर पर उनके पैरों के निशानात आ गए इसी पत्थर को आज मकाम इब्राहिम कहा जाता है पहले ये पत्थर बेतुल्लाह की दीवारों के साथ रखा गया था जब लोग तवाफ के लिए आते तो सैयदना इब्राहिम के पैरों के निशानात देखने के लिए यहां हुजूम हो जाता इस तरह तवाफ करने वालों को दिक्कत का सामना होता उमर रजी ने राम के मशवरे को इस जगह ऐसी कदरे हटा कर नमाज की के कर दिया ताकि तवाफ करने वालों को दिक्कत न हो ये मकान बहुत मुकदस है अल्लाह ने फरमाया है तुम मकाम इब्राहिम को जाए नमाज मुकर कर लो मकाम इब्राहिम के करीब इसके पीछे होकर नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए तो लाज़मन वहाँ दो रकात अदा किया करो मौका न मिले तो फिर पूरी मस्जिद हराम में तवाफ से फरागत वाली दो रकात पढ़ लिया करो इस तरह काबा तामीर हुआ तब नया हुक्म आया लोगों में जो इस्त रखे उस पर अल्लाह के लिए हज बैतुल्ला फर्ज है और जो शख्स जान बूझ कर एरास करे तो अल्लाह जहानों से बेनियाज है और उसे इसकी कोई परवाह नहीं उधर इब्राहिम को अल्लाह ताला की तरफ से इशारा हुआ लोगों में हज का ऐलान कर दें। इब्राहिम कहने लगे अल्लाह मेरी आवाज भला किस किस तक पहुँचेगी जवाब आया आपके जिम्मे आवाज लगाना है पहुँचाना हमारा काम है चुनाचे आप अराफात के एक पहाड़ पर चढ़े और आवाज लगाई लोगो बैतुल हराम का हज करो अल्लाह ताला ने मौजाना तौर पर यह आवाज तमाम इंसानों तक पहुंचा दी खा वो पैदा हुए थे या नहीं दूसरा मौजा ये हुआ कि अल्लाह ने बैतुल्लाह और उसके हज की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी अल्लाह ने फरमाया और आप लोगों में हज का ऐलान कर दें वो आपकी तरफ पैदल भी आएंगे और दुबले पतले ऊटो पर भी दूर दूर से आएंगे इस तरह लोग पैदल और सवार होकर कसरत से हज के लिए आने लगे

आप खलीलुररहमान थे आप पर सहीफे भी नाजिल हुए आप अल्लाह के बेहद शुक्रगुजार थे